अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ अबाउट सॉलिड्स। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट ज्योमेट्री एंड द डेफिनेट वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट द सॉलिड्स हैज डेफिनेट शेप। अब इनकी डेफिनेट शेप क्यों होती है? बिकॉज द एटम्स आर टाइटली एंड क्लोजली पैक्ड। वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना देते हैं जिसकी वजह से एटम्स के दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होती, स्पेस जो है वो नेग्लिजिबल होगी। डैट्स वाई वी कैन से डैट दे आर रेगुलरली और इरेगुलरली अरेंज टुगेदर टू फॉर्म अ डेफिनेट शेप। इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्यों प्रेजेंट होंगी? बिकॉज द एटम्स आर टाइटली एंड स्ट्रॉन्गली पैक्ड। वो जब आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। उनमें जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो नेग्लिजिबल होती हैं। देयरफॉर वी कैन से डैट दे हैव द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दे आर लिटल अफेक्टेड बाई चेंजेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्योंकि जो सॉलिड है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उसको ब्रेक करने के लिए। डैट्स वाई वी कैन से डैट दे हैव वेरी लिटल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप उसको लो टेम्परेचर देंगे तो उससे उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगी। अगर आप उसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब ही कोई भी सॉलिड जो है वो ब्रेक हो सकता है। और इसमें प्रेशर जो है उसका भी बहुत लिटल इफेक्ट है क्योंकि ये एटम्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं और उसमें स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होंगे, जिसकी वजह से अगर आप प्रेशर भी अप्लाई करते हैं तो उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर का फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें उसका जो वॉल्यूम होगा वो इतना डिक्रीज नहीं होता। अगर आप गैसेस को देखें तो वो 50% उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर भी अप्लाई करते हैं तो प्रेशर पे इतना ज़्यादा प्रेशर का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले ही कंप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं। अब ग्लासेस एंड अमोर्फस आर द एक्सेप्शंस। अब इसमें क्या है, जो ग्लासेस हैं और अमोर्फस सॉलिड, अब सॉलिड जो है उसकी भी टाइप्स आ जाती है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं और अमोर्फस सॉलिड्स होती हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं उसमें रेगुलरली अरेंजमेंट होती है एटम्स की, और जो अमोर्फस होते हैं उसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती, वो एटम्स जो है वो ऑर्डरली अरेंज नहीं होते। डैट्स वाई उनमें टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट होगा। तो इन सॉलिड्स को आप सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कह सकते हैं। अदर सॉलिड्स की कंप्लीट रेगुलरिटी आ जाती है एटम्स की और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सो दे आर नोन एज क्रिस्टल्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ऑब्जर्व किया गया है कि डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है बिटवीन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, जिसकी वजह से ये आपस में क्लोज्ड रहते हैं। जब वो आपस में क्लोज्ड रहेंगे तो जब उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट होगी, डैट्स वाई उनमें उनकी डेफिनेट शेप होगी, रिजिडिटी होगी, कंप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ उन सॉलिड्स की होती है। तो इन फोर्सेज को फोर्सेज जो इसमें प्रेजेंट होती है दे आर नोन एज इंटर आयोनिक मॉलिक्यूलर फोर्सेज। कोई भी अगर सॉलिड है तो उसके मॉलिक्यूल में मींस के वो जैसे एटम्स होते हैं वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देती हैं। तो अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंट्रैक्शन होगी डैट इज़ द इंटर आयोनिक, आइंस के दरमियान जो होगी डैट इज़ इंटर आयोनिक इंट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होंगी डैट इज़ इंटर मॉलिक्यूलर, और इंटर एटॉमिक जो होगी जो एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती हैं। अब सॉलिड जो है ये जो फोर्सेज हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है डिफरेंट सॉलिड्स में, एंड उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट, काइनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ द सॉलिड्स। जिस तरह आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस की पढ़ी है, इस तरह लिक्विड्स की होती है और इसी तरह आपने सॉलिड्स की पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब सॉलिड जो है उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं क्योंकि तभी एटम्स वो आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, उनमें एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती, डैट्स वाई वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में बॉन्डेड फॉर्म में होती हैं। रिजिडिटी, अब एटम अगर आप सॉलिड्स के देखते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं। अगेन एंड अगेन मैं यही कह रही हूँ क्योंकि सॉलिड जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तभी उनमें रिजिडिटी होती है, तभी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होंगी, और जब वो आपस में क्लोज हो जाते हैं उनके दरमियान स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती, देयरफॉर वो मूवमेंट जो है वो भी शो नहीं कर सकते, उनकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, लिमिटेड होती है। वो किस वजह से? क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिलती कि वो मूव कर सके वन पॉइंट टू अनदर
पॉइंट, देयरफॉर दे आर रिजिड इन नेचर. ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो आपस में ही बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो वो किसी और तरफ नहीं जाते. इसी तरह जो है उसमें स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होती कि वो मूव कर सकें, उनको पोजिशन या स्पेस नहीं मिल रही होती कि मूव कर सकें. वो जस्ट क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मेन पोजिशन, कि जिस पॉइंट्स पे वो मूव करते हैं तो दोबारा से उसी पॉइंट पे आ जाते हैं. जैसे एक मोबाइल है, उसकी वाइब्रेशन आप ऑन कर देते हैं तो वो वाइब्रेट करता है अपने ही पॉइंट पे. वो वाइब्रेट करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा, अगेन जो है वो सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पे आ जाता है. तो इसी तरह जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसमें भी यही वाइब्रेशनल मोशन ही होती है.